हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ खरबस की रेसिपी। इसे कई जगह पे पीयूष नाम से भी जानते हैं, कई जगह पे चिक नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, पूरे इंडिया में ना इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये गाय या भैंस के पहले दूध से, यानी कि बछड़ा होने के बाद जो पहला दूध होता है ना, उससे बनाया जाता है। बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, साथ में टेस्टी भी होता है। तो आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा सॉफ्ट रहता है और बहुत ही जालीदार बनता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस आसान सी रेसिपी को। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने रेनू रेसिपीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। और यहाँ मैंने लिया है एक मिक्सी जार, उसमें मैं ले रही हूँ आधा कप चीनी और उसी के साथ दो इलायची, ताकि इलायची भी बढ़िया से चीनी के साथ पिस जाए। अब ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आपको ये मिक्सी में ही पीसना है, आप चाहे तो ऐसे भी चीनी इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों इलायची को हमें खोल कर डाल देना है ताकि ये सही से पिस जाए। तब तक दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ एक कढ़ाई रख दी है। तो अगर दोस्तों आपके पास कोई स्टीमर हो ना, तो आप उसमें भी इसे स्टीम कर सकते हैं। यहाँ कढ़ाई में मैंने दोस्तों 1.5 से 2 ग्लास के करीब पानी डाल दिया है और उसे गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें रख रही हूँ एक स्टैंड। तो अगर दोस्तों आपके पास इस तरह का स्टैंड नहीं हो, तो आप कोई कटोरी भी बीच में उसके रख सकते हैं। ठीक है, अब हम ढक के रख देंगे ताकि पानी हमारा बढ़िया से उबाल आ जाए। तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ बाउल में लिया है 1/2 लीटर दूध। ये दूध दोस्तों पहले दिन का है। ठीक है, पहले और दूसरे दिन के दूध से इस तरह की मिठाई बनाई जा सकती है, तीसरे दिन के दूध से नहीं बनेगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नॉर्मल दूध 1/2 कप। ठीक है, ताकि जो हमारा खरबस है बहुत ही बढ़िया से बने। और उसमें हम डाल देंगे जो चीनी हमने पीसी हुई थी ना, वो पूरी चीनी हम इसमें डाल देंगे। तो दोस्तों मीठा अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है तो थोड़ा कम भी कर सकते हैं। और हाँ, इसकी जगह आप गुड़ भी डाल सकते हैं अगर आपको चीनी पसंद नहीं हो तो। और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने बढ़िया से दूध में उसे मिक्स कर लिया है और इलायची के जो छिलके हैं वो भी इस तरह से ऊपर आने लगे हैं। तो हमें क्या करना है, इसको एक बार छान लेना है ताकि इसके छिलके खरबस में ना जा पाए। तो मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है और इस तरह की एक छन्नी ले ली है, उसमें हमें इसको छान लेना है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने रेनू रेसिपीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो के लिए, ताकि आने वाले मेरे सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। और ये बिल्कुल फ्री है। और यहाँ आप देख सकते हैं इलायची का जो पाउडर था, मतलब जो सही से नहीं पिसे थे, वो भी हमने अलग कर दिए और साथ में उसके छिलके भी। अब इसे वापस उसी बाउल में धोकर डाल देना है। और हाँ दोस्तों, इसे फुल मत भरिएगा, क्योंकि जब हम खरबस बनाते हैं तो जो दूध है वो थोड़ा सा फूलता भी है, तो अगर आपने ज़्यादा भर दिया तो वो फूल कर नीचे गिरने लगेगा। और दूसरे साइड आप देख सकते हैं इस तरह के बढ़िया से इसमें उबाल आ गया है पानी में। तो अब हम इसे स्टीम करने के लिए रख देंगे। बहुत ही ध्यान से रखिएगा, क्योंकि कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म होती है। और इसे ढक के रख देंगे हम 20 से 25 मिनट के लिए। तो बीच में दोस्तों मैंने इसे एक बार चेक कर लिया था, तब थोड़ा सा बचा हुआ था 20 मिनट बाद, लेकिन हम इसे खोल रहे हैं 25 मिनट बाद। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा फूल भी गया है। और बेफिक्र रहिएगा, ठंडे होते होते ना ये पापा से बैठने भी लगता है। तो मैं इसे चेक कर लेती हूँ। तो इस तरह की मैं टूथपिक ले रही हूँ, आप चाहे तो चाकू से भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें इसको दबा के देखना है। और नीचे इस तरह से अगर खरबस लगा हुआ हो तो समझ जाइएगा कि वो बढ़िया से पक गया है। अगर नहीं लगाया हो तो आप 5 मिनट और भी मीडियम फ्लेम पे इसे रख दीजिएगा। और यहाँ थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा पानी है ना, इसे भी हम निकाल देंगे। बहुत आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि जो हमारा खरबस है वो बहुत ही बढ़िया से जमा हुआ है। ये देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट है ना। चलिए इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ दोस्तों ठंडा होने के बाद हमें इसको फ्रिज में भी रख देना है 1 घंटे के लिए, अगर आपको और भी बढ़िया सा रिजल्ट चाहिए। लेकिन मेरे बच्चों को ना सवर ही नहीं हो रही थी, मतलब उन्हें अभी खाना था, तो मैंने इसे फ्रिज में नहीं रखा है। फिर भी आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया पीस निकलेंगे। एक बार आप इस तरीके से इसे बना के ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम। और जाली देखिए आप कितनी परफेक्ट है ना।